नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरी नॉवेल्स एकेडमी की ओर से संचालित ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अनुवांशिकी अध्याय के तहत मेंडल का जीवन परिचय, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज और मेंडल को सफलता प्राप्त होने के प्रमुख कारणों का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे आगे कि मेंडल ने उद्यान मटर के पादप का चुनाव क्यों किया, क्योंकि उस समय और भी वैज्ञानिक इस अनुवांशिकता पर प्रयोग कर रहे थे। कोई जीव जंतुओं पर कर रहा था, कोई अन्य पादपों पर कर रहा था, तो मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे को चुना। इसका कुछ प्रभाव होगा तभी उसने ऐसा किया, तो इसका क्या प्रभाव था, इसने ये पौधा क्यों चुना अपने प्रयोगों के लिए, तो पहले हम समझेंगे उद्यान मटर पादप का चुनाव, इसने उद्यान मटर के पौधे को क्यों चुना। तो इसका पहला जो कारण है कि उद्यान मटर का पादप यह एक वर्षीय शाकीय पादप होता है, अर्थात इस पादप का जीवन काल वह एक वर्ष में ही पूर्ण हो जाता है। अर्थात फसल को बोने से लेकर काटने तक की जो अवधि है लगभग 3 से 4 माह तक की होती है। तो एक वर्षीय शाकीय पादप होने से एक वर्ष में 2 से अधिक फसल प्राप्त की जा सकती है। जब फसल हम अधिक प्राप्त कर सकते हैं तो उसका परिणाम हमें प्रयोगों का वह शीघ्र प्राप्त होता है। एक वर्षीय शाकीय पादप, शाकीय का अर्थ होता है कि मटर के पादप की लंबाई 1 मीटर से कम होती है। तो पहला इसका कारण है कि उद्यान मटर का पादप एक वर्षीय एक वर्षीय शाकीय पादप होता है, एक वर्षीय शाकीय पादप होता है जिसे हम एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला, उद्यान मटर का पादप एक वर्षीय शाकीय पादप होता है जिससे हमें परिणाम शीघ्र प्राप्त होते हैं, अर्थात एक वर्ष में 2 से अधिक फसल प्राप्त कर सकते हैं। एक वर्ष में हम 2 से अधिक फसल प्राप्त कर सकते हैं। जितनी ज्यादा फसल प्राप्त होगी उसका परिणाम हमें उतना ही अधिक प्राप्त होता है। दूसरा कारण है कि उद्यान मटर का जो पौधा है इस पर लगने वाले पुष्प की बनावट इस प्रकार की होती है कि इसमें कोई परागण करने वाला कीट पतंग आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। पुष्प इस प्रकार के बने होते हैं, इसके प्राकृतिक रूप से इसकी संरचना इस प्रकार की होती है कि इसमें कोई भी परागण करने वाला कीड़ा जैसे कि भंवरा है, तितली है, मधुमक्खी है, वह आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। तो प्राकृतिक रूप से मटर का पादप यह स्वपरागित होता है। और स्वपरागित होने से क्या होता है कि हमें मटर का शुद्ध वंश क्रम प्राप्त हो सकता है। दूसरा है कि उद्यान मटर के पादप में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण की क्रिया होती है। प्राकृतिक रूप से स्वपरागण की क्रिया होने से क्या होगा
कि हमें उद्यान मटर के पादप का शुद्ध वंश क्रम प्राप्त होता है, जिससे शुद्ध वंश क्रम प्राप्त होता है। हमें शुद्ध पौधे प्राप्त होते हैं, समयुग्मजी पादप प्राप्त होते हैं। शुद्ध वंश क्रम को हम कह सकते हैं समयुग्मजी। ये भी आगे आएगा परिभाषाओं में कि समयुग्मजी क्या होता है। तो समयुग्मजी हमें प्राप्त होते हैं। तीसरी विशेषता कि मटर के पादप में विपुंसन क्रिया के द्वारा परपरागण आसानी से कराया जा सकता है। विपुंसन का अर्थ होता है कि जब पुष्प परिपक्व होता है तो उससे पहले पुष्प के नर भाग पुंकेसरों को हटा दिया जाता है, तो जिससे क्या होगा कि उस पुष्प के परागकण वह वर्तिका पर नहीं गिरते। इस क्रिया को कहते हैं विपुंसन क्रिया, कि पुष्प के विकसित होने से पूर्व ही पुष्प के नर भाग पुंकेसरों को हटा देना, इसे कहते हैं विपुंसन क्रिया। तो विपुंसन क्रिया के द्वारा आसानी से परपरागण भी कराया जा सकता है। तो तीसरा है कि विपुंसन की क्रिया द्वारा आसानी से पर परागण कराया जा सकता है। तो विपुंसन की क्रिया द्वारा, विपुंसन का अर्थ होगा कि पुष्प में नर भाग पुंकेसरों को हटाना। तो विपुंसन क्रिया के द्वारा आसानी से पर परागण कराया जा सकता है। तीसरा पॉइंट। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उद्यान मटर का जो पादप होता है, इस पादप में 34 विप्रयाई लक्षण पाए जाते हैं। विप्रयाई लक्षण का अर्थ है कि एक लक्षण, तो उसके दो कारक होंगे, एक प्रभावी कारक और दूसरा अप्रभावी कारक। तो ऐसे करीब 34 विप्रयाई लक्षण पाए जाते हैं, और इन 34 विप्रयाई लक्षणों में से मेंडल ने करीब 7 लक्षणों का अध्ययन अपने 7 वर्षों के प्रयोगों में किया। तो चौथा पॉइंट होगा कि उद्यान मटर के पादप में 34 विप्रयाई लक्षण पाए जाते हैं। 34 विप्रयाई लक्षण पाए जाते हैं, और इन 34 विप्रयाई लक्षणों में से मेंडल ने अपने 7 वर्षों तक जो प्रयोग किए थे उनमें से कितने लक्षणों को चुना? 7 लक्षणों। तो उद्यान मटर के पादप में 34 विप्रयाई लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें 7 विप्रयाई लक्षणों का 7 विप्रयाई लक्षणों का अध्ययन अपने प्रयोगों में किया। 7 लक्षण इन्होंने चुने जिनका इन्होंने आगे अपना प्रयोग किया। तो वो 7 लक्षण क्या थे, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो 7 लक्षण हम देखें तो विप्रयाई लक्षण कौन कौन से थे, हम यहां देखें 7 विप्रयाई लक्षण।
सात लक्षणों में से विपर्यय, विपर्यय का कोई भी एक कारक है, कोई भी एक लक्षण है, तो उसके दो प्रभाव होंगे। जैसे कि पौधा, पौधे का एक लक्षण है ऊंचाई, तो ऊंचाई में दो है, लंबा पादप और दूसरा गोना पादप। तो विपर्यय लक्षणों में सबसे पहला है, जैसे कि पहला लक्षण वह है पादप की ऊंचाई। तो ऊंचाई में हम दो लिखेंगे, पहला लिखेंगे प्रभावी और दूसरा हम लिखेंगे अप्रभावी। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। तो ऊंचाई में जो प्रभावी लक्षण है वो लक्षण है लंबापन। लंबापन जो है यह लक्षण प्रभावी है। अप्रभावी लक्षण कौन सा हो जाएगा? तो अप्रभावी इसमें लक्षण हो जाएगा बोनापन। एक पादप लंबा होगा तो दूसरा पादप गोना होगा। ऊंचाई की बात, दूसरा है पुष्प का रंग। जो पादप पर पुष्प उत्पन्न होते हैं, यहां पर भी उसके दो अलग अलग होंगे। लंबा जो पौधा है इस पर जो पुष्प लगेंगे वो होंगे बैंगनी, और जो अप्रभावी पादप होगा, अप्रभावी जो लक्षण होगा, जो बोना पौधा होगा, उस पर जो पुष्प लगेंगे उसका जो रंग होगा वह रंग होगा सफेद। पुष्प के रंग के बाद पुष्प की स्थिति। हम पौधे पर देखते हैं कि जो शाखाओं पर पुष्प लगते हैं वो दो प्रकार से इसमें होते हैं। एक पहला वो होगा कक्षीय। कक्षीय का अर्थ है कि जो पुष्प होगा वह शाखाओं पर लगेगा पाषाण क्रम में। दूसरा होता है अप्रभावी में, वह होगा अग्रस्त, अर्थात जो पुष्प होगा वह पौधे के शीर्ष भागों पर लगेगा। तीसरे नंबर पर आएगा पुष्प की स्थिति। तो यहां पर जो होगा प्रभावी वह होगा कक्षस्थ, और अप्रभावी में होगा वह होगा अग्रस्त। कक्षस्थ का अर्थ क्या होगा? तो कक्षस्थ का अर्थ हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि इसको मिटा दें थोड़ा। जैसे कि एक पादप लंबा है तो दूसरा पादप होगा गोना। लंबा पादप और बोना, यहां जो पुष्प लगेंगे इनका जो रंग होगा वह रंग होगा बैंगनी, और पुष्प की स्थिति होगी कक्षस्थ। कक्षस्थ का अर्थ है कि जो पुष्प होगा वह इस तरह से पार्श्वित क्रम में उत्पन्न होंगे, शाखाओं के साथ पार्श्व क्रम में पुष्प उत्पन्न होते। अग्रस्थ का अर्थ होगा कि जो यहाँ पुष्प उत्पन्न होंगे वह पुष्प पादप के शीर्ष की शाखाओं पर उत्पन्न होंगे। इस तरह से पुष्प की जो स्थिति होगी वह पादप के शीर्ष की शाखाओं पर होती है। तो ये है कक्षस्थ, और इसे हम कहते हैं अग्रस्थ। कक्षस्थ का अर्थ होगा कि पुष्प लगने की जो प्रक्रिया है, पुष्पन की जो प्रक्रिया है वह शाखाओं के साथ में होती है, जबकि यहां पर शाखाओं के शीर्ष पर लगेगा तो होगा अग्रस्थ। पुष्प की स्थिति के बाद पुष्प से बनता है फिर आगे फल। तो यहां पर मटर के पादप में फल को हम कहते हैं फली, तो हो जाएगा अपरिपक्व, अपरिपक्व फली का रंग। अपरिपक्व फली का रंग कैसा होगा? तो यहां जो रंग होगा अपरिपक्व फली का रंग वो होगा हरा, और इधर जो रंग होगा वह रंग होगा पीला। इसके बाद है
परिपक्व के बाद जब वो फली पक जाती है तो परिपक्व फली का आकार, यहां जो इसका आकार होगा वो आकार होगा फूला हुआ। और इधर जो आकार होगा वो आकार होगा संकीर्णित। फूला हुआ कैसे? जैसे हम इसमें देखें इस तरह से चित्र, फली जो होगी इस तरह से बड़ी होगी, मोटी होगी, फूली होगी। और यहां पर हम देखेंगे इसकी स्थिति तो इस प्रकार से होगी संकीर्णित, इस तरह से पिचकी हुई। तो फूला हुआ और संकीर्णित। अब इस फली के अंदर क्या उत्पन्न होंगे? बीज उत्पन्न होंगे। तो यहां जो बीज होंगे, नंबर छह, बीज की आकृति, यहां जो बीज की आकृति है वो होगी गोल। बड़े होंगे बीज, गोल होंगे। और इसी तरह से यहां जो बीज होगा वो बीज होगा झुर्रीदार। सबसे अंत में इसमें सातवां जो लक्षण जिसका अध्ययन किया था वो है बीज पत्र का रंग। बीज पत्र का जो रंग होगा वो रंग होगा यहां पर पीला। और इसका जो अप्रभावी लक्षण है वह लक्षण होगा हरा। ये करीब सात लक्षण थे। इन सात लक्षणों का मेंडल ने अपने महत्वपूर्ण प्रयोगों में अध्ययन किया। तो उसको हम एक बार दोबारा से देखें कि मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव क्यों किया। तो मेंडल ने मटर का पादप चुनाव किया तो उसका पहला कारण है कि मटर का पादप एक वर्षीय शाकीय पादप होता है, अर्थात इसकी फसल वह तीन से चार माह में पककर तैयार हो जाती है। तो एक वर्ष में हम कम से कम दो फसल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हम जितनी अधिक फसल प्राप्त करेंगे हमें उसका परिणाम प्रयोग का वह शीघ्र प्राप्त होगा। तो पहला इसका कारण था कि मटर का पादप एक वर्षीय शाकीय पादप है। दूसरा कारण था कि उद्यान मटर के पादप में पुष्प की जो स्थिति होती है उसमें स्वपरागण की क्रिया होती है। प्राकृतिक रूप से उसका पुष्प इस प्रकार का होता है, जिसे इसका हम चित्र देखें तो इसके अंदर दो दल बड़े होंगे और तीसरा जो दल है उन दोनों को आपस में इस तरह से ढके हुए होता है। पूरी तरह से पुष्प ऐसा होता है कि जैसे बंद है। तो पुष्प बंद होने से क्या होगा कि इसके अंदर कोई भी कीड़ा, कोई भी उड़ने वाला कीट पतंग आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता, जिसके कारण इसमें परागण नहीं होता। तो प्राकृतिक रूप से इसमें स्वपरागण की क्रिया होती है। प्राकृतिक रूप से इसमें स्वपरागण की क्रिया होती है। स्वपरागण की क्रिया होने से क्या होता है कि हमें शुद्ध वंश क्रम प्राप्त होता है, शुद्ध पादप प्राप्त होते हैं। दूसरा है विपुंसन। आगे नेक्स्ट है तीसरा कि विपुंसन की क्रिया द्वारा, विपुंसन का अर्थ होगा कि पुष्प के परिपक्व होने से पूर्व ही पुष्प के नर भाग के स्वरों को चिमटी की सहायता से हटा देना, इसे कहते हैं विपुंसन। तो विपुंसन की क्रिया द्वारा आसानी से पर परागण कराया जा सकता है। और चौथा तथा सबसे अंतिम महत्वपूर्ण जिसके कारण मेंडल को सफलता प्राप्त हुई वो कारण था कि उद्यान मटर के पादप में करीब 34 विपर्यायी, विपर्यायी का अर्थ होगा कि एक लक्षण है तो उसके दो भाग होंगे, एक प्रभावी होगा और दूसरा होगा अप्रभावी। तो 34 विपर्यायी लक्षण पाए जाते हैं और इन 34 विपर्यायी लक्षणों में से मेंडल ने सात लक्षणों का अध्ययन अपने संकरण प्रयोगों में किया। अब ये सात लक्षण कौन से थे उनके बारे में हम याद देखें तो सबसे पहले ऊंचाई, ऊंचाई में पादप एक लंबा है वो लक्षण होगा प्रभावी। और दूसरा होता है अप्रभावी। प्रभावी का अर्थ है जो लक्षण प्रकट होता है, अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, उसे हम कहते हैं प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता हम उसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लंबापन, पादप लंबा होगा, इसकी लंबाई अधिक होगी। दूसरा है बोनापन, पादप छोटा होगा। पादप पर उत्पन्न होते हैं पुष्प, तो पुष्प का रंग होगा यहाँ होगा बैंगनी, तो यहाँ पर रंग होगा सफेद। पुष्प की स्थिति कक्षस्थ, पुष्प जो होगा वो शाखाओं के साथ में लगेगा।
शाखाओं के साथ में पुष्प का भी यहाँ पर उत्पन्न होना प्रारंभ होते हैं। ये पुष्पन क्रिया शाखाओं पर, जबकि यहाँ जो पुष्प लगेंगे अग्रस्त लगेंगे, शाखाओं के शीर्ष पर उत्पन्न होंगे। अपरिपक्व फली का रंग यहाँ जो होगा वो हरा होगा और दूसरे का होगा पीला होगा। जब फली परिपक्व हो जाती है तो उसका उसकी जो आकृति है, आकार हम देखें तो बड़ी होगी और फूली भी होगी, जबकि वो होगी संकीर्णित होगी। फली में उत्पन्न होते हैं बीज, तो यहाँ बीज होंगे गोल और उसके साथ होंगे झुर्रीदार। और बीज पत्र का रंग, जब हम बीज को तोड़ते हैं तो उसके दो भाग में दिखाई देती है, हम कहते हैं बीज पत्र। तो यहाँ बीज पत्र जो है वो होगा पीला और ये होगा हरा। इन सात लक्षणों का इन्होंने अपना अध्ययन आगे प्रयोगों में किया। धन्यवाद।